भावनात्मक मुद्दा है, क्योंकि जो ये सोचते हैं कि 17 साल का बच्चा जाऊगा तो 21 साल का साबका बन के आजूगा, हजे वह ब्याह भी नहीं होया होना 21 साल की उम्र च, वो एक्स बल्कि वो साबका भी नहीं लिख सकता, इस रूल मुताबिक वो साबका भी नहीं लिख सकता। कोई उन्हों कोई कंटीन चो फौज की कंटीन अक्सर अपने फौजियों की टेक केयर करती है, दवाइया होर बहुत कुछ ग्रोसरी सारा कुछ, वह कंटीन च भी नहीं जा सकता। 17 साल का जाऊगा, 17.5 साल का 6-3 महीने की ट्रेनिंग होगी, 21 साल का साबका बन के आ जाऊगा। मैं इस कानून के सख्त खिलाफ हाँ। साढ़े देशभक्त मुंडे बहुत ही माड़े हालात च ट्रेनिंग करके टेस्ट पास कर लेंगे ने, कहदे वास्ते कि 3 साल वास्ते, 2 साल वास्ते, 35 साल की है, 35 तो रिटायरमेंट, पर 35 तो बाद भी वो कितने ना कि कोई बैंक च कि लग जाते। मैनू नहीं लगता कि 2 महीनों की ट्रेनिंग जी है उन्होंने तो बाद भी कितने काम दवाऊगी। बड़ी शर्मनाक गल सी स्पीकर साहब, बीजेपी के अश्विनी जी बैठे हैं, कि जो कैलाश विजय वर्गी ने कहा उनको हम अपने बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे, पहला कहते सी पकौड़े तलो, हुण कहते साडे सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ। दिस इज शेमफुल, इट्स नॉट ओनली फॉर पंजाबीज, सारे देश के यूथ वास्ते यह माड़ी गल होगी कि एको ही चीज़ है। देखो बाकी तो साडियां गवर्नमेंटा नहीं दिंदियां रोजगार, 2 करोड़ 1 साल में देंगे, यो सब वो डिग्री बेस्ड है सर, एको ही चीज़ है जिहड़ी बॉडी बेस्ड है कि परमात्मा ने मैनू 6 फुट का कर दिता है, मैं सारे टेस्ट पास करके फौज तो चला जाऊँगा। देशभक्ति वास्ते मैं -20 डिग्री या +50 डिग्री मैं काम करूँगा, पर यदा मतलब थोड़ी है कि जो मैं वापस आऊँगा तो लोग मैं कहेंगे तू आ भी गया, तो तेरे आंदियां तो तेरे हाण दे कोई इधर कोई इधर कोई तरक्की कर गया। सो बिल्कुल मैं थोड़े न सहमत हाँ, रेजोल्यूशन तुसी कहोगे ऑल पार्टी जी सहमति होगी लगे आना चाहिए, और किसी भी पक्षों ये अग्निपथ नहीं है, ये मैं समझ नहीं आती। पार्लीमेंट सर आप कट्ठे रहे, तुम राज्यसभा च रौला पाते रहे हो, मैं इधर होंगे तो अपोजिशन च ही सी। जो भी कानून बनता है कहते एक बारी समझ आ गई ना थोनू, ये तो बहुत वधिया है, तो CA लेके आ गए लोग कहते आ की है, कहते एक बारी समझ आ जाए थोनू बहुत वधिया लगेगा, तो हुण आ लिया अग्निपथ, वो कहते की है जी, एक बारी कहते समझ आ जाए थोनू बहुत वधिया लगू, समझ कली उन्होंने ही है, असी सारे समझदार नहीं है। सो इहोजे कानून जिहड़े लोगों समझ ही ना आउण वह नहीं बनने चाहिए, उन्हों विरुद्ध देश की हरेक विधानसभा मता पास होना चाहिए। मैं तो सहमत हूँ। तो